नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बड़ौदा विद्युत कर्मचारियों ने बिजली निजीकरण एवं संविदा कर्मी सिविलियन किए जाने, विद्युत सुधार 2020 और SBD को तुरंत वापस लिया जाए, प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरण कंपनियों के निजीकरण को वापस लिया जाकर देश में प्राइवेट लाइसेंसी और फ्रेंचाइजी समाप्त किए जाने और पूरे देश में उत्पादन और वितरण कंपनियों को केरल राज्य विद्युत बोर्ड के तहत एकीकरण किया जाए, नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए और अनिवार्य सेवा नियत करें विद्युत क्षेत्र में समाप्त किया जाए। संविदा कर्मियों के नियतीकरण के साथ साथ आउटसोर्स कर्मियों को तेलंगाना शासन की तर्ज पर सविलियन किया जाए। संविदा कर्मियों को नियमितीकरण करने के साथ साथ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को तेलंगाना शासन की तर्ज पर सम्मिलन किया जाए। अधोसंरचना के अनुसार नए पद सर्जन कर उन्हें नियमित कर्मचारियों से भरा जाए। विरोध प्रदर्शन करने वालों ने लोकेशन बयानी, प्रबंधक रुकिन सिंह जाट, सहायक प्रबंधक रियाज खान, टीका राम शर्मा, प्रदीप मिश्रा, अक्रम खान, ऑपरेटर राहुल मीणा, कुशल श्रमिक खूबचंद सुमन, अकुशल श्रमिक भीम सुमन, मुकेश सुमन आदि उपस्थित रहे। आपको क्या मांगे आपकी पूरी? अपनी मुख्य मांगे हैं ये हैं कि एक तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट SBD बिलिंग लाई है इसको वापस कराना है, और ये जो बिजली कंपनियों का निजी कार्ड का चल रहा है इसका पूर्ण रूप से समस्त बिजली विभाग के कर्मचारी विरोध करते हैं, और जो बिजली विभाग में अपने संविदा कर्मी नियुक्त किए गए हैं इनको रेगुलर किया जाना चाहिए, और जो आउटसोर्स के एम्प्लॉई हैं इनको तेलंगाना राज्य की तर्ज पर इनको भी रेगुलर करने की मांग है। क्या और कुछ कहना चाहते हैं जो आपको क्षेत्र में मतलब सहयोग पूरा ना हुए कारण? इसके बारे में यही है कि जो पुराना स्टाफ है वो रिटायर्ड हो गया है और अपने को काम करने में दिक्कत आती है, नया स्टाफ भी भर्ती होना चाहिए। जिस हिसाब से अपना बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है उस हिसाब से कर्मचारी भर्ती नहीं है, तो स्टाफ भी बढ़ना चाहिए। इसलिए मतलब आपको काम करने में थोड़ा तकलीफ होती है? तकलीफें होती हैं।